तो जॉन डियर जो है करीब 180 साल पुरानी कंपनी है और देश भर की सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है। हम लोग एग्रीकल्चर के स्पेस में काम करते हैं और मॉडर्नाइज कैसे किया जाए कृषि को, उस पर हमारा विशेष ध्यान रहता है। साथ में हमारा ये ध्यान भी रहता है कि जो कस्टमर हमारे हैं वो किस तरीके से ज़्यादा पैदावार कर सकें और ज़्यादा मुनाफा कर सकें, तो इस फिलॉसफी पे जॉन डियर कंपनी काम करती है। हिंदुस्तान में हम लोग करीब 20 साल पहले आए थे और हम आए थे एज ए एग्रीकल्चर ट्रैक्टर कंपनी। तो सबसे पहले हमने ट्रैक्टर 55 हॉर्स पावर का इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन जैसा मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी पे हमारा काफ़ी ध्यान था कि किसानों को ऐसी टेक्नोलॉजी दी जाए कि वो आसानी से चला सकें, अपनी पैदावार बढ़ा सकें। तो पावर स्टीयरिंग, डिस्क ब्रेक्स, इस टाइप के फीचर्स, साइड शिफ्ट लीवर, इस टाइप के फीचर्स लेके हम हिंदुस्तान में आए थे। उससे क्या हुआ कि ट्रैक्टर चलाने का जो तकलीफ़ थी वो बहुत कम हो गई और लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से और ज़्यादा घंटे ट्रैक्टर चला पाए। उससे किसानों को एग्रीकल्चर में या खेती में काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो उस तरीके से हमारी पद्धति रहती है। आज हम बहुत सारे सॉल्यूशंस लेके आए हैं, क्रॉप स्पेसिफिक सॉल्यूशंस, कि गन्ने में क्या हो सकता है, कॉर्न में क्या हो सकता है, फिर वीट, पैडी, तो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, कॉटन में क्या हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि किसान की पूरी ज़रूरत क्या है, लैंड प्रिपरेशन, एग्रोनॉमी प्रैक्टिस से लेके पोस्ट हार्वेस्ट तक, और हम जो जो उपकरण अपने ला सकते हैं लाते हैं, नहीं तो हम पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं और वो पूरा संपूर्ण समाधान उसके सामने लेके जाते हैं। इस पद्धति पे हमने देखा है कि किसानों की पैदावार तकरीबन 40-65% बढ़ी है और उनको ना ही केवल आर्थिक लाभ हुआ है लेकिन पैदावार में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आपके प्रोडक्ट रेंज क्या है? हम लोग ट्रैक्टर बनाते हैं, हम लोग हार्वेस्टर बनाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में तो हमारी रेंज बहुत बड़ी है, लेकिन इंडिया में हम लोग धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। तो अभी ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और इम्प्लीमेंट, इन तीन चीज़ों पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इंडिया में भी। सर, किस तरीके से बाहर की टेक्नोलॉजी को के साथ मिलके जो आप लोग हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी को और बेहतर बना सकते हैं जो कि किसानों के लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो? हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम एक ग्लोबल कंपनी हैं, हम करीब 180 साल से केवल इसी में काम कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जॉन डियर एक ऐसी कंपनी है जो तकरीबन 3 करोड़ रुपये प्रति दिन R&D में निवेश करती है। यानी कि हम लगातार ये देखते रहते हैं कि उस प्रदेश, उस क्रॉप, उस देश के अनुकूल क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं 460 हॉर्स पावर की भी, जो कि बड़े बड़े खेतों में बड़े मॉडर्न और स्पीड से काम करने में उपयोग होती हैं, लेकिन हमारे पास साथ में 35 हॉर्स पावर का भी ट्रैक्टर है जो हिंदुस्तान में ज़रूरत होती है। हमारे पास छोटे कल्टीवेटर्स हैं, छोटे रोटावेटर्स हैं, सीड ड्रिल मशीन्स हैं जो हम अपने पार्टनर्स के थ्रू बनवाते हैं और हिंदुस्तान में बेचते हैं। तो वैरायटी हमारी इतनी है कि फ्रॉम 35 हॉर्स पावर टू 460 हॉर्स पावर वी कैन केटर टू एवरी टाइप ऑफ मार्केट, हर तरह के मार्केट, हर तरह के फार्म सॉल्यूशंस और हर तरह के क्रॉप को हम सॉल्यूशन देने में सक्षम है। सर, एमा एग्री बैंक 2017 में आपकी क्या भूमिका रही? देखिए, हम आईमा एग्रीमैक में 2009 से फिक्की के पार्टनर रहे हैं और हम लोग लगातार उस शो में नई आधुनिक तकनीक क्या होनी चाहिए, हिंदुस्तान की ज़रूरत क्या है, वो लगातार लेके आते रहे हैं। कॉटन का हमने यहाँ पे लोकार्पण किया, शुगर केन हार्वेस्टर का लोकार्पण किया, ये सारे हमारे जो मॉडर्न मशीन्स हैं आईमा एग्रीमैक में। अब लास्ट ईयर जो 2015 दिसंबर में उसमें था, तो हमने परमा क्लच का लोकार्पण किया यहाँ पे। ये टेक्नोलॉजी जो है किसानों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। अभी ऑटोमोबाइल में नहीं है लेकिन हम ट्रैक्टर में भी ले आए हैं उसको। तो जो लगातार ड्यूरेबिलिटी का किसानों को इशू होता है वो इससे उनको नहीं होता है, लगातार वो 3,000-3,500 घंटे ट्रैक्टर चला सकते हैं और क्लच में कुछ होगा नहीं उनके। इस बार क्या अलग ला रहे हैं? वो आप दिसंबर में आइए और देखिए कि हम क्या नया लेके आते हैं, और आपको मैं ये एश्योरेंस कर सकता हूँ, दे सकता हूँ कि किसानों के लिए नई नई चीज़ें जैसे जॉन डियर हमेशा लाती रही है, इस बार भी हम कुछ अच्छी
उनकी पैदावार, लेकिन हमारी जो भी टेक्नोलॉजी है फार्मर की प्रॉस्पेरिटी के लिए होती है, उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए होती है।